हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अपने कॉइन्स ट्रांसफ़र कैसे करता हूँ। गिवअवेज़ के लिए जो मैं अकाउंट गिवअवेज़ करता हूँ उनमें मैं कैसे कॉइन्स ट्रांसफ़र करता हूँ। इसके लिए तो आप लोग को पता है दो मोबाइल की ज़रूरत होती है। तो गाइस, मैं आप लोग को ऐसा वर्जन बताऊंगा जो बिल्कुल वर्किंग है, और तमाम यूट्यूबर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर इसी से कॉइन्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको यूट्यूब में सर्च, गूगल में सर्च करना है एट बॉल पूल ओल्ड वर्जन। उसको सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा ये लिंक, एक आ जाएगी। उसमें पहली लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज में, अभी जो पेज ओपन होगा, नेट सुस्त चल रहा है बहुत काफ़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा वर्जन चूज़ करना है। तो ओपन हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी वर्जन दिखा रहे हैं एट बॉल पूल के। जो तीसरे नंबर पर 4.5.2 वाला वर्जन था ना, आपको उसी को बस डाउनलोड कर देना है। आपको उसको डाउनलोड कर देना है दोनों मोबाइल। ये ज़रूरी है कि दोनों मोबाइल में सेम वर्जन हो, उस मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जो इसे जो मोबाइल जिसमें मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, ये इसको मैं इस मोबाइल को यूज़ करता हूँ, और इसमें तो मैं बीटा वर्जन से ही खेल रहा था, इसलिए अभी मुझे अभी तक वो मैंने डिलीट नहीं किया। आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ इसको डाउनलोड करने के बाद। अभी डाउनलोड पेंडिंग हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अभी हम लोग को इसको करना है लिंक को, लिंक के ऊपर प्रेस करेंगे तो इस तरह का शेप ये आपको बता रहा है ऐप नॉट इंस्टॉल। तो इस दौरान आपको करना क्या है ये बात गौर से सुने। तो आपको बैग चले जाना है, और बैग चले जाने के बाद आपका जो बीटा एट वर्ल फूल है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको कर देना है अन इंस्टॉल। तो जैसे ही ये अन इंस्टॉल होता है तो आपको डायरेक्ट जाना है माय फाइल्स में, डाउनलोड्स में, जिधर आप लोग आपका ये ओल्ड वर्जन डाउनलोड पड़ा है। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड्स में आने के बाद मुझे ये करना है अभी डाउनलोड। अभी ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट डाउनलोड हो तो आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। गाइज, ये मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी बदौलत आपकी आईडी भी बैंड नहीं होगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक, आपकी आईडी भी बिल्कुल महफूज रहेगी। तो मैं लॉगिन करता हूँ, एक मिनट में लॉगिन हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। आपको गेम को मिनिमाइज़ कर देना है, गेम मिनिमाइज़, दोनों दोनों मोबाइल में सेम वर्जन गेम मिनिमाइज़। तो गेम को फिर से ओपन करना है, और गेम ओपन हो तो मेरे ख़्याल से सबसे कम जो लोग खेलते हैं ना, वो स्पेशल प्ले स्पेशल में क्लिक करें और प्ले नो गाइडलाइन में क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे अगर आपके पास कॉइन कम है और ट्रांसफ़र करने तो नो गाइडलाइन में। ये आप देख सकते हैं अभी मैंने जो किया है ना, अभी प्लेयर मैचिंग नहीं है दोनों जगह, मतलब सेम प्लेयर ऑनलाइन हो तभी तो कॉइन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन नहीं थे। तो मुझे फिर से गेम को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना। गेम को मिनिमाइज़ करते हैं, देखते हैं अभी प्लेयर सेम ऑनलाइन दिखता है या नहीं। तो फिर से प्ले स्पेशल में क्लिक करेंगे, प्ले नो गाइडलाइन। तो आप देख सकते हैं कि अभी दोनों जगह में प्लेयर ऑनलाइन है, 79 प्लेयर यहाँ पर भी ऑनलाइन है और 79 प्लेयर वहाँ पर भी। तो आपको करना क्या है, बस दोनों में एक साथ क्लिक कर देना है, एक साथ क्लिक कर देना है। उस अकाउंट में मेरे जिधर कॉइन ट्रांसफ़र करना उधर 100 के हैं तो 100 के वाली इमेज लगेगी। आपको यहाँ पर 15 सेकेंड का होल्ड करना है। मैं तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी 15 सेकेंड होल्ड किया, क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया इसलिए आपको थोड़ा जल्दी दिख रहा है। 15 सेकेंड आपको वेट करना है, तब देख सकते हैं दोनों मैच लग गया। ये गाइस 100% गारंटी ले लो, आपका मैच हर बार सही सही जिस मतलब आप ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हो। आप जो मेथड मैंने बताया, लेकिन आपको वो फॉलो कर देने। तो आपको 1 मिनट मतलब गेम को खेलना है, मैंने अभी वीडियो को थोड़ा हटा दिया, 1 मिनट खेल के अभी ब्लैक को पोर्ट करना है, ठीक है ना। मुझसे पोर्ट तो नहीं हुई क्योंकि मैं वीडियो भी खुद बना रहा हूँ और प्ले भी कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे सही एम किया नहीं जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 मिनट गेम खेल के ब्लैक को पोर्ट करना है, इसी की बदौलत आपकी आईडी बैंड नहीं होगी। क्योंकि जो मिनिक्लिप वाले वो सोच रहे होंगे वाकई इन लोगों ने खेला है, आपको 1 मिनट बस गेम में देना है और बस आपको ब्लैक बॉल को पोर्ट करना है। इसी तरह कर करके आप कॉइन्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। बस यही मेथड था जो आपको समझाना था, इजीली कॉइन्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर कोई मसला हो तो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।